ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली में कुल 9 ग्रहों के प्रभाव से समय अच्छा या बुरा होता है। माना जाता है कि गुरु बृहस्पति सुख समृद्धि सौभाग्य धन का कारक है। हिंदू धर्म में गुरु ग्रह को सबसे मजबूत और शक्तिशाली ग्रह बताया गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह केंद्र में विराजमान है या मजबूत स्थान पर बैठे हुए हैं, तो बाकी ग्रहों का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। पर क्या आप जानते हैं कि गुरु ग्रह जल्दी वक्री होने वाले हैं, यानी अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में कुछ राशियों पर इसका अच्छा और बुरा असर पड़ेगा। इसके लिए हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर से 5 फरवरी 2025 तक गुरु ग्रह वृष राशि में उल्टी चाल चलेंगे। किन राशियों के लिए ये अच्छा और बुरा होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति द्वादश भाव पर हैं और सप्तमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं। प्रोफेशन और सप्तमेश अर्थात या तो अपना कार्य या फिर विवाह का स्थान होता है सप्तम भाव, तो इनसे संबंधित बृहस्पति यहाँ पर लाभ देंगे। अगर आप अपने जॉब के लिए अपने कार्य के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आकस्मिक आपको वीज़ा लग सकता है, अचानक से आपको ऑफर आ सकता है बाहर से। हाँ, लेकिन जब सप्तमेश 12वें घर पर होता है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में समस्या आती है, तो उसके लिए मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना होगा। विवाह के लिए यह समय अच्छा नहीं है। कर्क राशि की अगर बात करें, कर्क राशि से लाभ स्थान पर है तो लाभ स्थान पर बृहस्पति का गोचर आपको आकस्मिक धन लाभ के योग दे रहा है। आकस्मिक धन लाभ आपका वो होगा जो आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था। रुका हुआ धन अवश्य ही वापस आएगा इन दिनों पर। धनु राशि से षष्ठ स्थान पर बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो अचानक से आपको स्वास्थ्य में समस्या देंगे, विशेष रूप से पेट की दिक्कत आपकी बढ़ने वाली है। मीन राशि से तृतीय भाव पर है तो आपके भाई बहन मित्र उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं या फिर उनको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिस वजह से आपके और उनके बीच में दूरी बने या आपकी और उनकी बातचीत कम हो जाए, तो मित्र भाई बहन से संबंधित दुख का योग मीन राशि वालों के लिए है। तुला राशि से बृहस्पति का गोचर हमें दिखाई दे रहा है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव और तृतीय भाव का यहाँ पर स्वामी बृहस्पति है तुला राशि से। भाई बहन मित्र और किसी अन्य संबंधी जो आपके साथ उम्र में समान हो, समतुल्य हो, वो आपको या उसके साथ संबंधों में कोई ऐसी बात पता लगेगी जो नहीं पता होगी, जो आपसे छुपाई गई होगी, कुछ इस तरह की समस्या तुला राशि वालों के साथ आएगी। संबंधों में गिरावट या अचानक से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी बात पता लगेगी जो आपके बहुत क्लोज होगा और आपको आपसे उसने कुछ बात छुपाई हो, इस तरह की बातें। तो आपने जाना कि बृहस्पति ग्रह का गोचर किन राशियों के लिए अच्छा और बुरा रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।